इतनी तेज चल रही है यार। हेलो जी, केदारकंटा डे वन में आपका स्वागत है। दिल से रूम से ही कर रहा हूँ, देहरादून से ही कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली ये जो ट्रैक है वो देहरादून से स्टार्ट होता है। देहरादून टू देहरादून होता है या फिर सांकड़ी टू सांकड़ी होता है, वो डिपेंड करता है कि आप किस ऑपरेटर के साथ चूज करें। हमने हिमालयन हाइकर्स को चूज़ किया और सही बताऊँ तो यार ये एक बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन है। सॉरी सैम भाई, सॉरी स्मिता मैम, आप लोगों के साथ इस बार नहीं जा पाया, बहुत ही अर्जेंट में ये डिसीजन लेना पड़ा और मैं काफ़ी जल्दबाजी में पैकिंग वैकिंग करके आ गया यहाँ पे। तो डे वन में जो होता है, अगर आप देहरादून से कर रहे हैं तो यहाँ से सांकड़ी के लिए आपको बस करनी पड़ेगी या फिर आपका जो ऑर्गेनाइज़र है वो आपको करवा के देगा। सांकड़ी देहरादून से अराउंड 210-220 किलोमीटर के आसपास है। पहले मैंने सोचा था कि यार सांकड़ी तक बाइक से कर लूँ, पर मेरे जो हाथ की हालत है उसके हिसाब से मैं नहीं कर पाऊँगा इतनी लंबी राइड, और फिर वापस ट्रैक करके मुझे दिल्ली भी जाना है तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मे बी नेक्स्ट टाइम कोई और रूट पे लंबी राइड करेंगे। अब बात करते हैं पैकिंग की। जस्ट लाइक एनी अदर विंटर ट्रैक, केदारकंटा की जो पैकिंग लिस्ट है वो भी नॉर्मल सी एक लिस्ट होती है। लेयर्स में आपको क्लोथिंग करनी पड़ती है वाइल स्लीपिंग फॉर नाइट, और दिन में डिपेंडिंग अपॉन दी वेदर जो है वो क्लोथिंग चेंज हो जाएगी। फर्स्ट लेयर नॉर्मली एक कॉटन जो बनियान कहते हैं जिसको, उसकी होनी चाहिए। उसके बाद सेकेंड लेयर एक सिंथेटिक जो गर्म बनियान वॉर्म वाली वूल होती है उसकी होनी चाहिए। फिर एक नॉर्मल आप कॉटन टी शर्ट पहन सकते हैं, उसके ऊपर जैसे मैंने ये फ्लीस पहन रखी है, दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। इस ट्रैक में जो टेम्परेचर है वो -10 तक जा सकता है, तो उसके लिए अकॉर्डिंगली आपको एक जैकेट खरीदनी पड़ेगी, जो कि मैंने लास्ट टाइम चादर ट्रैक से खरीद ली थी तो मुझे खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्वेचा की -10 वाली जैकेट है मेरे पास, वो इट इज़ गुड। चादर ट्रैक कर लिया तो होपफुली ये वाला ट्रैक भी हो ही जाएगा। पुरालो करके एक जगह है, उसके बाद जो है ATM और मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। सो मेक श्योर यू कैरी इनफ कैश और अपने जो काम है सारे वो पुरालो से पहले ख़त्म कर लो, और ये ट्रैक जो है बिल्कुल फ्री माइंडेडली करो। मेरा जो आश्रय होटल है जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ उससे लगभग 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारी बसेज हैं। सो चलते हैं और अपने इस ट्रैक के डे वन को, जो कि सांकड़ी तक होगा, उसको स्टार्ट करते हैं। होपफुली ऊपर वाला मेहरबान रहे और हम कुछ क्या बहुत कुछ अच्छा देख पाए। यस लेट्स गो। हाँ, सो फाइनली अ ब्राइट सनी मॉर्निंग हेयर इन देहरादून। हम अपने होटल से नीचे उतर रहा हूँ फॉर द डे वन ऑफ द केदारकंटा ट्रैक। थोड़ा सा लेट हो गया हूँ क्योंकि नींद की झपकी लग गई थी भाई, और कोई बात नहीं है। कुछ कह रहे थे आप? हेलो, मैं कह रही थी ऋषभ से कि नानी याद आ रही अभी से ही, लुक एट माय बैकपैक। कोई नहीं, हो जाएगा। एक्चुअली यार अगर आप इस ट्रैक पे आ रहे हो ना तो थोड़ा सा ना पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ती है, और ठीक है अब तो करना ही है सब कुछ। सामने बस खड़ी है एक राउंड, तो वहाँ पे चलते हैं। वो रही हमारी बस, ये रहे हम। लेट्स स्टार्ट डे वन। यस, हम लोग अभी फिलहाल बैठे हैं बस के कैबिन में। पीछे टेम्पटी फॉल निकला है अभी और हमने वहीं पे थोड़ा जो है ब्रेकफास्ट किया। ये हमारे कंडक्टर साहब हैं और भाई हमारे ड्राइवर, और ये तो हमारे स्पर्श है हंसता हुआ बंदा। अंकल के साथ थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करने को मिल रहा है, और जो है मतलब फ्रंट से एकदम बाइक वाली फील आ रही है। बाकी अभी तो सफ़र काफ़ी लंबा है। अंकल कितना टाइम लग जाएगा? अभी 6 बजे तक हो जाएगा शाम को। 6 बजे यानी अभी 12 बजे अराउंड, और अभी 6 घंटे का रास्ता हो रहा है। वही बात है कि भाई बात करते करते रास्ता कट जाएगा, बाकी तो सफ़र चालू है अभी।
छोटा सा पहाड़ी गांव आप लोगों के सामने, और ये पहाड़ी क्या बोलेंगे, पहाड़ी डेरी। तो हम लोग अभी रुके हैं लगभग पुरोला के आसपास कहीं। अभी तक का सफ़र बहुत ज़्यादा टायरिंग था यार, क्योंकि कह लो कि आदत नहीं अपनी बस में चलने की, या फिर काफ़ी दिन बाद कोई भी बहाना मार लो। इसके बाद जब हम उस तरफ चलते रहेंगे सामने की तरफ, तो जो नेटवर्क है और कनेक्टिविटी है सब कुछ ख़त्म होती है, यानी एक अज्ञातवास जो चाहता था मैं उसकी तरफ हम लोग बढ़ते रहेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे जो रेस्टोरेंट पे हम रुके हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि भूख लग रही है, सुबह से ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, तो खाते हैं और फिर जल्दी जल्दी मैं चाह रहा हूँ कि बस पहुँच जाएँ, ये बस वाली जो राइड है वो ख़त्म हो जाए यार, बहुत ज़्यादा टायरिंग है। बस सब कुछ खा रहा हूँ मैं, चलो। इतना ग्रीन है और ऊपर से सनलाइट पड़ रही है, वाह। सो फाइनली आफ्टर 200 किलोमीटर की गंदी वाली बस की थकाने वाली ड्राइव के बाद हम लोग अपने जो बेस कैंप है सांगरी का होटल, वहाँ पे पहुँच गए हैं। और किस्मत की बात देखो, हर बार की तरह रूम पार्टनर फिर से डॉक्टर साहब ही हमारे। ये रे, हेलो, हाय, मैं उपेंद्र, इंदौर से। और ये भाई ऋत्विक, आई एम इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर एंड मतलब यहाँ पे ना अभी थोड़ी देर में ना यूट्यूबर से टिकटॉक हो जाएगा। ये भी अच्छा है। तो यहाँ पे आके हम लोगों ने डिनर किया और उसके बाद हम लोगों को ये फॉर्म भरने के लिए दिया गया कि मतलब कुछ भी हमें होता है तो ये लोग जिम्मेदारी नहीं लेंगे और हम लोग अपने एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब सीन ये है कि हम लोगों को कल स्टार्ट करना है यहाँ से और हम लोग थक बहुत ज़्यादा चुके हैं यहाँ पे, तो इस व्लॉग को हम यहीं तक रखते हैं। कल नए व्लॉग के साथ अपने ट्रैक को स्टार्ट करेंगे और देखते हैं ये वाले पहाड़ हमें क्या दिखाएंगे दोबारा से। सो नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलते हैं, मिलते हैं नए व्लॉग में जल्दी। टाटा बाय।